नमस्कार दोस्तों दोस्तों टेक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं आपके फोन की मेमोरी के विषय में। दोस्तों जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें सबसे बड़ा डर रहता है कि कहीं हमारी मेमोरी फुल ना हो जाए। और जैसे ही आपको कोई ऐप पसंद आया और आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं साथ के साथ, इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी फुल हो जाती है। जैसे ही आपको कोई नया एप्लीकेशन पसंद आया तो आप उसको इंस्टॉल करने लगते हैं तो मैसेज आ जाता है कि पहले आप अपनी मेमोरी को फ्री कीजिए, दो ऐप को डिलीट कीजिए, दो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए, तभी आप कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे सामने प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कौन सा एप्लीकेशन, क्योंकि सभी हमारे लिए अच्छे हैं। तो दोस्तों इसका सलूशन मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। मैं चार ऐसी सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, अगर आप उनको अपने फोन में आप कर लेते हैं तो आपके फोन की मेमोरी कभी फुल नहीं होगी। तो आइए दोस्तों करते हैं अपनी वीडियो शुरू। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं अपने फोन का लॉक ओपन कर लेता हूं। ये मैंने अपने फोन का लॉक ओपन कर लिया। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने फोन की सेटिंग के अंदर। ये मेरे फोन की सेटिंग रही, आप देख रहे हैं, मैं सेटिंग के अंदर आपको लेकर चलता हूं। तो चलिए मैं क्लिक करते हूं, ये रही मेरे फोन की सेटिंग। तो दोस्तों आपके भी फोन की सेटिंग ऐसी होगी। मेरे फोन में जो ऑप्शन है वो मोर सेटिंग के अंदर आपको जाना है, जो सिक्योरिटी के अंदर मोर सेटिंग का ऑप्शन होता है उसके अंदर आपको जाना है। ये मेरी सिक्योरिटी के अंदर मोर सेटिंग का ऑप्शन है, मैं इसके अंदर जा रहा हूं। अब यहां पर जो आपको जाना है वो जाना है स्टोरेज एंड यूएसबी के अंदर। तो मैं स्टोरेज एंड यूएसबी के अंदर क्लिक कर रहा हूं, के ऊपर मैंने क्लिक किया और आगे से खुल गया फोन स्टोरेज। आप देखिए 32 GB मेरे फोन की फुल मेमोरी है, जिसमें से 27 GB मैंने यूज की है, मेरे फोन ने यूज की है। तो मैं ओपन करता हूं फोन स्टोरेज को, ये मैंने क्लिक किया, फोन स्टोरेज ओपन हो गया। ये कैलकुलेट कर रहा है कि किस ऐप में क्या क्या कितना डाटा है, कितनी इमेज है, कितनी वीडियो है, कितनी ऑडियो है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि जो आप देख रहे हैं ये सारा वो फाइल है जो आपने डिलीट कर चुके हैं, पर वो कहीं ना कहीं आपके फोन में रह जाती हैं, इनका आपको कोई यूज नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा फाइल है तो इनको आप भी अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। ये मेरे फोन में 7 MB है, क्योंकि मैं हर रोज अपने फोन से ये डाटा डिलीट कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा होता है, पर आपके फोन में ये ज्यादा हो सकता है, 2 GB 3 GB हो सकता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये मैंने क्लिक किया, ये ओके कि सभी ऐप का डाटा है ये, तो मैंने ओके किया, ये क्लियर कर देगा इसको, अभी हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर रहा है। और ये देखिए ये 0 byte आ गया, ये डिलीट हो गया। तो सबसे पहली सेटिंग तो आपको ये करनी है, जो एक्स्ट्रा कचरा आपके फोन में पड़ा है उसको डिलीट करना है। अब चलते हैं वापिस। अब दूसरी जो सेटिंग है उसके लिए आपको अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करना है, उस ऐप का नाम है पावर क्लीनर। तो ये मैं उस ऐप को अभी ऑन कर लेता हूं, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ये रहा पावर क्लीन ऐप, मैं इसको ऑन कर लेता हूं, क्लिक कर देता हूं इसके ऊपर। ये दिखा रहा है टोटल, मैं यहां से जो जंक फाइल, जंक क्लीन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जो जंक फाइल मेरे फोन में पड़ी है मैं उनको डिलीट कर दूंगा। ये मैंने जंक क्लीन पे क्लिक किया, ये सर्च कर रहा है कि कितने मेरे फोन में जंक फाइल पड़ी है। 15 MB मेरे फोन में जंक फाइल पड़ी है, इससे पहले ज्यादा थी, क्योंकि मैं हर रोज क्लीन करता हूं इसलिए ये 15 MB आपके फोन में ज्यादा भी हो सकती है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, क्लीन जंक। तो ये मेरी जंक फाइल क्लीन हो गई, मैं वापसी चलता हूं। अब यहां से आप अपनी मेमोरी को भी बूस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके बैटरी सेवर भी लगा सकते हैं, एंटीवायरस भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने फोन की तीसरी सेटिंग के ऊपर, कि आपको तीसरी सेटिंग कौन सी करनी है। तो दोस्तों जो मेरे फोन की तीसरी सेटिंग जो मुझे करनी है वो करनी है, मुझे फाइल मैनेजर के अंदर जाना है अपने फोन के। तो ये मेरा फाइल मैनेजर का ऐप रहा, मैं इसके अंदर जाता हूं, ये मैंने क्लिक किया और मैं फाइल मैनेजर के अंदर आ गया। दोस्तों आपकी जो भी वीडियो है, आप WhatsApp के अंदर जो भी वीडियो आई वहां से आपने डिलीट कर दी, पर यहां पर पड़ रहता है, इसलिए आपको कोई भी ऑडियो या वीडियो यहां से डिलीट करनी होगी। जैसे कि ये देखिए, मैंने वीडियो पे क्लिक किया, WhatsApp वीडियो मेरे फोन में 142 ऑलरेडी पड़ी है, रिकॉर्ड मास्टर 1 पड़ी है, टाइमर कैमरे की 1 पड़ी है और कैमरे की 15 पड़ी वीडियो है।
तो आप इनको डिलीट करना है। आपको जो भी आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे काम की नहीं है, आप उसको यहाँ से डिलीट कर दिए ताकि वो परमानेंट डिलीट हो जाए आपके फ़ोन से। वरना आप वहाँ से डिलीट करेंगे फिर भी वो आपके फ़ोन में रह जाएगी। अब उसके डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मुझे ये वीडियो डिलीट करनी है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर दिया। ये देखिए, इसने परमिशन ली कि मैं इसको परमानेंट डिलीट कर दूँगा। देखिए, अब नेक्स्ट करते हैं। ये मैंने डिलीट पे क्लिक किया और ये कह रहा है कि मैं इसको परमानेंटली डिलीट कर दूंगा सभी जगह से। मैंने ओके किया। तो दोस्तों, ऐसे आप भी जिस वीडियो की आपको नीड नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से। सेम आपको करना है ऑडियो फाइल के अंदर भी। ऑडियो के अंदर भी आपकी बहुत सारी ऑडियो फाइल पड़ी होंगी, आपके लिए जो जरूरी नहीं है आप उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। सेम लाइक आप इमेज, ये इमेज रही, इमेज में भी आपकी जो जो फाइल है, जो इमेज आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए ताकि वो इमेज आपका स्पेस ना ले, आपकी मेमोरी को फुल ना करे। तो दोस्तों, उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। यहाँ से आप टोटल देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में न्यू फाइल कितनी है, वीडियो की जो स्टोरेज है वो क्या है, ऑडियो की स्टोरेज क्या है, इमेज की स्टोरेज क्या है और मेन स्टोरेज आपकी फ़ोन की क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ से उस वीडियो या ऑडियो को आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, वरना वहां से डिलीट करेंगे तो वो तब भी आपके फोन में रह जाती है। अब फोर्थ सेटिंग की बात करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके फोन में आपको लगता है कि जो स्लीप टाइमर का ऐप है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, जिस ऐप की आपको जरूरत नहीं है उसको आप डिलीट कर दे, अनइंस्टॉल कर दीजिए ताकि वो आपके फोन की मेमोरी को एक्स्ट्रा ना ले। और आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में जो ऐप चलते रहते हैं आप उनको भी बंद कर दीजिए ताकि वो आपका डाटा ना लें, आपके बैटरी को ना खाएं, मेमोरी को यूज ना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी ये चार स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके फ़ोन की मेमोरी कभी भी फुल नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए और इसके साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकॉन है आप उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।